हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि फॉल सीलिंग में जो चैनल का काम होता है वो किस तरीके से होता है और उसमें मतलब क्या क्या उसका प्रोसेस है, उसके बारे में आप लोगों को पूरा का पूरा हम डिटेल से बताएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोग पूरा देखिएगा, उसमें आप बने रहिएगा इस वीडियो में, तब आप लोगों को मतलब हम स्टेप बाई स्टेप दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं कि कहाँ क्या होता है और कहाँ मतलब आपको कैसे काम करना होता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। चलिए पहले आप लोगों को मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये है विकी भाई, ये है विकी और ये अजीत है, इसको भी जानते हो आप लोग, और ये विकी भाई है, ठीक है। तो ये सबसे पहले आप देख सकते हो कि ये रहा मतलब एल पत्र, ठीक है, आप लोगों को बैक कैमरा से मैं दिखाता हूँ। तो देख सकते हो ये इसको बोलते हैं एल पत्ती, ठीक है, इसको एल पत्ती और ये है फास्टनर, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, 12 mm से 12 mm के रड से मतलब ड्रिल मशीन से इसको सुराख किए हैं हम लोग, ठीक है। और सुराख करने तो इसको छत में देख सकते हो कि किस तरीके से मतलब ये धागे के ऊपर लगा रहे हैं विकी भाई ने, देख लीजिए। सुराग जो किए हैं, जो उस सुराग में हम लोग इसको लगा रहे हैं, आप देख सकते हो। तो आप लोग देख लो मतलब इस तरीके से एलपत्ती जो है कटिंग करके इसमें लगाया गया है। अब रहा सामान, तो सामान देखो फ्रेंड्स, सामान ये है, इतना ही सामान इसमें लगता है, सीलिंग में कोई ज़्यादा सामान नहीं लगता है। ये है, ये है एलपत्ती, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एलपत्ती, जो एल टाइप का ये आता है आप देख सकते हो, इसी को एलपत्ती बोलते हैं। और ये आ गया क्रास, ये क्रास हो गया, ये क्रास आ गया और ये आ गया मेन, मतलब इसमें मेन यही है, मतलब इस काम में भी मेन यही है, इसका नाम भी मेन है, ठीक है। जैसे हम लोग शरीर में एक हड्डी होता है ना, ये समझ लो एक तरह का ये हड्डी है, ये समझ लो मेन हड्डी यही है, ये इसी के ऊपर मतलब सारा का सारा सेलिंग रुकता है। और पर इसको कटिंग किए हम लोग यहाँ से और यहाँ पूरा साइज इसका 18 इंच है, और उसके बाद से क्या किया है इसमें मतलब आधा इंच मतलब 1 इंच पर इसको कटिंग करके इसको क्या करेंगे हम मोड़ेंगे इस तरीके से जो पट्टा बनेगा उसमें, ठीक है। तो इसको हम ठोकेंगे, ये देख सकते हो ये साइड वाला निशान लगा है, साइड वाला ये वाला, तो इसके साथ में ये लगेगा ऐसा निशान, मतलब ऐसे जितने निशान लगाए तहाँ तहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। और एलपत्ती को आपको बता दिया कि छत में लगेगा, ठीक है, अच्छा वो उस एलपत्ती में लगेगा मेन। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मतलब सेलिंग का काम ये होगा, और जब जाली चढ़ेगा तो जाली का भी मैं आप लोगों को बताएंगे कि जाली किस तरह चढ़ता है, किस तरह कटिंग होता है। ये रहा जाली, देख सकते हो, ये देख सकते हो जेब्रा कंपनी की जाली है, और ये रहा आपकी, बस इतना ही सामान लगता है फ्रेंड्स, और कुछ नहीं लगता है सामान इसको करने के लिए। और आपके पास हम्पर मशीन होना चाहिए और प्लस में एक ड्रिल मशीन होना चाहिए जो हम लोगों के पास उधर झोला में रखा गया है, ठीक है। इतना काम मतलब करने के लिए इतना सामान की ज़रूरत पड़ेगा आपको। अब चलिए फटाफट पहले हम जब इसमें मेन लगाएंगे तो आप लोगों को पूरा पूरा हम दिखाएंगे। चलिए पहले हम चलते हैं क्योंकि मेरा काम ऊपर पड़ गया है, क्योंकि मुझे जाना पड़ेगा ऊपर। और देखिए वाह,
छोटा थोड़ी चाहिए ना बिल्कुल। हाँ तो क्या देखिए अब इसमें मतलब भर दो ज्वाइंट है जहाँ मेन का ज्वाइंट हुआ है उस ज्वाइंट को कम से कम दो पेच लगाना जरूरी है। दो पेच लग गया फिट। फ्रेंड्स यहाँ पर लेवल हुआ है देख सकते हो ये कटिंग हुआ है यहाँ पे लेवल हुआ है इस दीवार से करके ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या करेंगे यहाँ से और दीवार से लेवल कर लेंगे ठीक है। और लेवल करने के बाद से इसको क्या करेंगे इसको सीधा करके ऐसे और इस पे लाके हम लोग ऐसे मतलब इस पे हम लोग इसको स्क्रू के साथ कस देंगे ठीक है। तो ये मतलब लेवल करके ठीक है उसके बाद से ये तैयार हो जाएगा पूरा। चलिए हम पहले पूरा लगा लेते हैं फिर उसके बाद से जब इस करेंगे तो